ये आपको पता है कि YouTube ऐप से वीडियो अपलोड होता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे YouTube स्टूडियो पे बताएंगे ऐसा तरीका, आसान इजी तरीका बताएंगे जो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप वीडियो को वायरल कर सकते हो। कैसे अपलोड करेंगे वीडियो, ये तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इसमें जो है बहुत सारी सेटिंग है, आप मैनेज कर सकते हो, व्यूज़ वगैरह देख सकते हो। आप अगर वीडियो को अपलोड करते हो तो उसमें व्यूज़ कितना आता है, क्या इसमें व्यूज़ वगैरह बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ रहा है, कौन सा वीडियो हमारा चल रहा है, ये सारी चीज़ जो है कि इसी में मिलता है YT स्टूडियो में। तो यहीं पे हम बताएंगे YT स्टूडियो, अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर में जाओ, YT स्टूडियो डाउनलोड करो, ठीक है। और आइकन आप देख लीजिएगा क्या एक ऐसा ऐप है, अगर आप नहीं देखे हो। और जो लोग जानते हैं YT स्टूडियो किस तरह से है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से वीडियो को अपलोड करोगे, ठीक है। यहाँ पे टैग वगैरह किस तरह से, डिस्क्रिप्शन किस तरह से, थंबनेल लगाया जाता है, प्रॉपर तरीके से हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा कि आपका यहाँ पे दिखेगा, वीडियो दिख रहा है तो आप जो है YT स्टूडियो को खोल लेना है। किस तरह से YT स्टूडियो रहेगा, अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको किस तरह से ऐप दिखेगा आप देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से ऐप दिखता है, आप इसको खोलेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो हम अपलोड करना सीखेंगे, किस तरह से वीडियो अपलोड करते हैं। यहाँ पे देखिए चैनल एनालिसिस यहाँ पे करता है, यहाँ पे बता रहा है 28 दिन का चैनल का पूरा एनालिसिस यहाँ पे बता रहा है, कितना सब्सक्राइबर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे व्यूज़ बता रहा है, वॉच टाइम बता रहा है, एस्टीमेट अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो यहाँ पे बताएगा, ये सारी वीडियो यहाँ पे बताएगा, इस तरह से कमेंट या नीचे बताएगा, ठीक है। कंटेंट यहाँ पे आएंगे तो सारा कंटेंट यहाँ पे बताता है, तो ये सारी सुविधा यहाँ पे मिल जाता है। अगर शॉर्ट वीडियो देखना चाहेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बताता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जानेंगे कि वीडियो किस तरह से अपलोड किया जाता है, यहाँ से कैसे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपको इस तरह से दिखेगा, हमारा चैनल यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए प्लस का निशान यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है प्लस का निशान दिख रहा है, तो इस पर सिंपल हम चले जाएंगे तो इस तरह से खुलेगा आपका जो है कि गैलरी में जो वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर देखिए एक बात बता रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो अगर अपलोड करना है तो यूट्यूब ऐप से ही करो, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा आपको फैसिलिटी मिल जाता है, बहुत चीज़ें जो है कि डालने के लिए मिल जाता है। और यहाँ से अगर आप इस तरह से जिस तरह से वीडियो आपको दिख रहा है 9:16 का अगर वीडियो बना रहे हो यूट्यूब के लिए, तो इस तरह से यहाँ से अपलोड कीजिए, बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैप्शन यहाँ पे बता रहा है, ये शॉर्ट वीडियो हो गया हमारा, ठीक है। लॉन्ग वीडियो हम यहाँ पे लेते हैं, लॉन्ग वीडियो यहाँ पे लेते हैं, देखिए ये जैसे हम यहाँ पे एक वीडियो ले लिए, ठीक है, तो इस तरह से जो ये दिखेगा यहाँ पे जो है क्रिएट टाइटल यहाँ पे डालना पड़ेगा, टाइटल किस तरह से रहता है, टाइटल जो वीडियो का एक नाम देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पेंसिल का निशान, यहाँ पे थंबनेल अगर आप लगाना चाहते हैं इस तरह से बना के रखिएगा पहले थंबनेल, यहाँ पे देखिए थंबनेल हमारा लग चुका है इस तरह से। तो थंबनेल यहाँ पे एक फ़ोटो रहता है, कहाँ पे दिखेगा इस तरह से हम दिखा देते हैं, अगर यूट्यूब में जाएंगे तो यहाँ पे सारे वीडियो अगर जो मिलता है ना इस तरह से दिखेगा, देखिए ये जो वीडियो मिल रहा है, ये जो फ़ोटो है ये इसको थंबनेल बोलते हैं, इसके नीचे जो लिखा है उसको टाइटल बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें सारी वीडियो में आपको मिल जाएगा देखने के लिए, तो सेम आपको इसी तरह से यहाँ पर करना है। तो आपका जो है कि यहाँ पे थंबनेल लग गया है, हमारा लग गया, आपका जो है कि थंबनेल है तो लगा लीजिएगा। यहाँ पे टाइटल सिंपल लिखना है, तो टाइटल कैसे लिखेंगे, जैसे वीडियो का नाम देना है तो आप क्या चीज़ कर रहे हो वीडियो में, जैसे हम कहीं पे घूमने गए, कलकत्ता जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, रास्ते में ये घटना हो गई, इस तरह से जो है कि लिख सकते हो टाइटल। अगर आपका टॉपिक सर्चेबल है तो यहाँ पे देखिए एनालाइज में आएंगे तो यहाँ पे एक बात हम बता रहे हैं, तो ये जानकारी हर लोग नहीं बताएगा, ठीक है। इम्प्रेशन यहाँ पे आएंगे तो इम्प्रेशन में आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक्सप्लोर टॉपिक, यहाँ टॉपिक सर्च कर सकते हो किस तरह से हम वीडियो बनाएं, टॉपिक अगर नहीं मिलता है टॉपिक यहाँ से ढूंढ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ सर्च करोगे, जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं कि चैनल कैसे बनाएं, ठीक है, यूट्यूब देखिए यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, देखिए यहाँ पे सर्च अगर हम करते हैं तो इस तरह से आपका देखिए सर्च ऑन यूट्यूब, यहाँ पे अगर जाएंगे देखिए ये फर्स्ट नंबर में चल रहा है ये वीडियो, ठीक है, इस तरह से वीडियो दिख जाएंगे। और यहाँ पे जो है आपका टाइटल मिल जाएगा, यहीं से आप टाइटल लगा सकते हैं, देखिए ये सारे टाइटल यहाँ पर अगर करेंगे तो इतने सारे टाइटल, ये देखिए यहाँ पर स्कोर दिया हाई मीडियम, आप अगर टाइटल में रखेंगे तो हाई में रखेंगे, जो
ज़्यादा लोग सर्च करता है उस चीज़ को सेलेक्ट करना है टाइटल में, ठीक है, वीडियो के टाइटल में लगाना है। आप देख लीजिएगा यूट्यूब में सर्च करके कि क्या चीज़ हमारा वीडियो क्या चीज़ का बना रहे हैं, उस तरह से यहाँ पे टाइटल दीजिएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है अपना लिख लीजिएगा और नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए पब्लिक, तो पब्लिक हम नहीं करेंगे यहाँ पे, अनलिस्टेड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक मिल जाता है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए ऑडियंस यहाँ पे मिल रहा है मेड फॉर किड और यहाँ पे नॉट मेड फॉर किड, तो हमारा जो है कि बच्चों के लिए वीडियो अगर रहेगा आपका तो मेड फॉर किड्स यहाँ पे दीजिएगा, और हमारा बच्चों के लिए नहीं है तो यहाँ पे देखिए नो मेड फॉर किड्स यहाँ पे लिखा है, उसमें हम सेलेक्ट किए। यहाँ पे अगर मोनेटाइज है आपका चैनल तो यहाँ पे मोनेटाइज आपको दिखेगा और नहीं है तो नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे अलाउ रखिएगा, ठीक है, डोंट डोंट पे डोंट अलाउ नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका वीडियो वायरल होने का कम चांसेस हो जाएंगे, ठीक है, तो अलाउ रखिएगा कि आपका वीडियो कोई यूज करे अगर करना चाहे तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेटिंग, ये सेटिंग कर लोगे तो यहाँ पे अपलोड यहाँ पे लिख रहा है, तो सिंपल अपलोड करोगे तो ये जो है अपलोड होना चालू हो गया, देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे फिर अपलोड होने के बाद इस तरह से दिखेगा, ठीक है, जैसे इस तरह से दिखेगा तो इस वीडियो पे जो है यहाँ पे एक जाइएगा तो यहाँ पे एक पहल सीन मिलता है, ठीक है। अब और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या किए थे, अनलिस्टेड में थे, ठीक है, यहाँ पे थे हमारा, तो यहाँ पे सिंपल पब्लिक करना है। और अगर कुछ सेटिंग करना चाहते हो जैसे लगाना बाकी है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कोई भी थंबनेल, ठीक है, इस तरह से डन कीजिएगा। और कोई भी सेटिंग है अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है, टाइटल वगैरह चेंज करना है, तो ये सारी सेटिंग आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे आपको टैग डालने के लिए मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से टैग डालिएगा, ठीक है, जैसे आपका चैनल है वो आपका नाम जो है चैनल का वो एक दो टैग यहाँ पे लिखिएगा, जिस तरह से वीडियो है, ठीक है, टैग वगैरह ज़्यादा काम आते हैं, सर्चेबल कंटेंट अगर है, सर्चेबल वीडियो है तो टैग ज़्यादा काम आता है, ठीक है, नहीं तो सिर्फ टाइटल ही आपके वीडियो जो है सजेशन वगैरह में जाते हैं, बहुत लोग का वायरल हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप जो है कि कंप्लीट जो है एक वीडियो डालने का तरीका सीख गए होंगे, और वीडियो जैसे सेव करते हैं आपको जो है वीडियो पब्लिक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आप चैनल नहीं बनाना चाहते हैं, चैनल नहीं बनाए तो ये वीडियो देखो और समझो किस तरह से चैनल बनता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।